सुबह 16 अगस्त 2018 जैसलमेर। देश के पश्चिमी छोर पर बसे इस रेगिस्तानी शहर से पर्यटकों का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रैली स्पोर्ट्स से जुड़े एथलीट्स का अजब सा लगाव रहा है। राजस्थान की इन्हीं उतार चढ़ाव भरे रेतीले धोरों के बीच हर साल होने वाली मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेने बीसियों बाइकर दुनिया के कोने कोने से पहुंचते हैं। बेंगलुरु के रहने वाले इंटरनेशनल बाइकर असबाग मोन भी इस साल अपने दोस्तों के साथ इस रैली में भाग लेने पहुंचे थे। रैली से पहले 15 अगस्त को उन्होंने दोस्तों के साथ ही राइडिंग ट्रैक का जायजा लिया और फिर अगले ही दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर इन्हीं ट्रैक्स पर प्रैक्टिस के लिए निकल गए। मगर 16 अगस्त को सुबह से शाम हो गई। एक एक कर असबाग के सारे साथी शहर में अपने अपने कैंप में वापस लौट आए, लेकिन असबाग का कोई पता नहीं चला और तो और उनका मोबाइल फोन भी लगातार आउट ऑफ रीच आ रहा था। ऐसे में उनका इंतजार करने के सिवाय उनके दोस्तों के पास कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस के साथ साथ खुद असबाग के दोस्तों ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह दो दिन गुजर गए और आखिरकार 18 अगस्त को वो हो गया जो बेहद अफसोसनाक था। सुनसान रेगिस्तान में असबाग की तलाश में जुटे उनके दोस्तों को रेगिस्तान के रेतीले धोरों के बीच उनकी लाश पड़ी नजर आई, जो तेज गर्मी और शुष्क हवा की वजह से काफी हद तक खराब हो चुकी थी। असबाग की लाश के पास ही उनकी बाइक भी स्टैंड पर खड़ी थी और बाइक में उनका हेलमेट भी लटक रहा था, पर न तो असबाग की बाइक पर, न उनके जिस्म पर और न ही जमीन पर ऐसे कोई निशान मिले जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जाता कि असबाग की मौत किसी सड़क हादसे में हुई हो, बल्कि उनकी बाइक जिस तरह से स्टैंड पर खड़ी थी और उससे उनका हेलमेट लटक रहा था, उसे देखकर लगता था जैसे असबाग ने खुद ही अपनी बाइक वहां पार्क की हो और फिर किसी वजह से इसी जगह पर उनका सफर हमेशा हमेशा के लिए थम गया हो। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इससे पहले ही यह अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद असबाग मोन की मौत रेगिस्तान में रास्ता भटक जाने के बाद भूख प्यास की वजह से हो गई। असबाग की मौत की खबर जैसलमेर से करीब 2000 किलोमीटर दूर उनके घर बेंगलुरु भी पहुंची और अपने पति की मौत की खबर पाकर उनकी बीवी सुमेरा भी जैसलमेर आ पहुंची। लेकिन न तो असबाग की किसी से दुश्मनी थी और न ही उनकी मौत को लेकर किसी को कोई शको शुबा ही था। ऐसे में सुमेरा ने भी जैसलमेर पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में बताया कि उनके पति की मौत रेगिस्तान में भूख प्यास की वजह से ही हो गई होगी और इस मामले में उन्हें किसी पर भी कोई शक नहीं है। ऐसे में पुलिस ने भी मामले की जांच में तब ज्यादा रुचि नहीं ली और आखिरकार इस मामले को बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि इस कानूनी कार्रवाई में 3 साल गुजर गए। 3 साल में जैसलमेर के पुलिस अफसरों की टीम बदल चुकी थी। जैसलमेर के मौजूदा एसपी अजय सिंह के पास जब असबाग मोन की रहस्यमय मौत से जुड़ी फाइल क्लोजर रिपोर्ट के लिए पहुंची, तो उन्होंने मामले को फुल एंड फाइनल करने से पहले एक बार पूरी गहराई से फाइल पढ़ने का फैसला किया। लेकिन इसी कड़ी में जब उनकी नजर असबाग मोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी बातों पर गई तो वो हैरान रह गए। असबाग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कई चीजें लिखी थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उनकी मौत रेगिस्तान में रास्ता भटकने और भूख प्यास की वजह से नहीं हुई, क्योंकि अव्वल तो उनके पेट में डॉक्टरों को सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला था, यानी आधा पचा खाना। और मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जब तक इंसान के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड मौजूद हो, उसकी मौत कम से कम भूख की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
ऊपर से जिस दूसरी चीज ने पुलिस को हैरान किया वो था अस्बाक की सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी रीढ़ या गर्दन की हड्डी में चोट के निशान। असल में अस्बाक की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और यही उनकी मौत की वजह भी बनी, क्योंकि आम तौर पर ऐसी चोट लगने की हालत में या तो जख्मी शख्स की फौरन मौत हो जाती है या फिर वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है और चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जब मौका वारदात पर एक्सीडेंट जैसी कोई बात नजर ही नहीं आ रही थी, उनकी मोटरसाइकिल भी उनकी लाश के पास ही स्टैंड पर खड़ी मिली थी, तो फिर सवाल ये था कि आखिर उनकी गर्दन की हड्डी कैसे टूटी। और इन्हीं बातों ने जैसलमेर के एसपी अजय सिंह को इस मामले की नए सिरे से जांच करने की एक वजह दी और उन्होंने डीएसपी भवानी सिंह को इस मामले की फिर से तफ्तीश करने का हुक्म दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जब एनालिसिस हमने किया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा उसका ब्रेक आया था, उसके कारण से एक बार आदमी का सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर टूट जाता है तो वो खड़ा नहीं हो सकता, जबकि उसमें उसकी मोटरसाइकिल जिस कंडीशन में खड़ी मिली थी उससे ऐसा हमें संदेह हुआ कि ये बेसिकली एक्सीडेंट नहीं है, एक कॉमन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं कोई और व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जो जिसने इसके गिरने के बाद या इसको चोट लगने के बाद वो मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे लगाई है, हेलमेट उतार के रखा है। क्योंकि अगर पहले चोट लगी होती तो ना तो मोटरसाइकिल साइड स्टैंड पे खड़ी मिलती, जो प्राथमिक साक्ष्य जो फोटोग्राफी में मिले हैं घटनास्थल के, प्रथम जो घटनास्थल पे जो हमारा आईओ गया उसने जो साक्ष्य संकलित किए उनसे ऐसा लगता है कि कोई घटना स्थल जो है मौका मुआयना घटनास्थल का वो प्लस मेडिकल रिपोर्ट आपस में कोरिलेट नहीं कर पा रही है।